हेलो दोस्तों, मैं उषम यार, आप लोग देख रहे हो उषमी का रिएक्शन चैनल। दोस्तों, शुभम भाई ने मार्थिन मूवी देख कर आ गया है और उन्होंने रिव्यू किया है कैसा है मूवी, क्या है, तो उनका वीडियो भी अब देखने वाला हूँ। चलिए देख लेता हूँ कैसा है, क्या उन्होंने रिव्यू दिया है, अच्छा खासा रिव्यू दिया है या मूवी को उन्होंने ख़राब बोला है, किस टाइप का मूवी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा इनका रिव्यू देखिएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेता हूँ। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, थोड़ा सा भी आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो। तो चलिए फटाफट से देख लेता हूँ, 3 2 1 चालू। सबसे पहले आपको हीरो का गेटअप लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मुंह काला करना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि उसके बाद ही आपकी फिल्म बन सकती है। जिसके लिए रिव्यू दे रहा है कि क्या कर रहा है, सच में लिटरली भाई क्या हो रहा है, मजा आ रहा है हमें तो। खाने की डार्क हैंडसम टॉल भैसा जैसा हीरो भी बहुत जरूरी होता है, जिसके बाद जब आपका मेकअप वगैरह पूरा हो जाएगा और आपके वीडियो में लाइट ज्यादा होने चाहिए ताकि आपका भी चेहरा दिखे। फिल्म के स्टार्टिंग में ही एक्शन शुरू हो जाता है और हीरो को पता नहीं करना क्या, तो वो करता है ना, वो कपड़े निकालता है और फाड़ देता है, दिखाता है कि देखो देखो मैं क्या कर रहा हूं, और उसको जब गोली लगता है और वो जब चौथे वाले से कूद जाता है तभी भी उसको कुछ नहीं होता, 19 वाले से कूदता है तभी कुछ नहीं होता, वाले से कूदता है फिर भी कुछ नहीं होता है। बाप रे बाप, देखूंगा मूवी, अभी तो हम थिएटर में गया नहीं हूँ देखने के लिए, तो और जाएंगे भी नहीं, जब ओटीटी पे आएगा फिर देखेंगे। सामने जो आता है सिर्फ मारते रहते। आप लोगों को नहीं मालूम है कि मैंने मार्टिन का सेटअप लेके आया, ये देखो इस पे पूरी फिल्म शूट हुई है, जब भी उसके सामने कोई भी आता है उसके कुछ भी डाल लेता है तो वो सिर्फ मारते रहते, बता ले कि उसके गाल में भी गोली बार बार हो जाए, और ये सब भी कहीं कहीं सही लगता है, लेकिन जब मार्टिन एक हीरोइन के घर पे जाता है और उसको बोलता है कि यार मैं बहुत अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं गांव से यहाँ आया हूँ, बहुत मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, और ये सब चीज दादी सुन के एक ही लाइन बोलती है, अरे तेरी माँ का भोसड़ा निकल इधर से, निकल निकल, ये सब भी ठीक है, लेकिन एक और चीज, पाकिस्तान में जब ये पढ़ा रहता है तो उसके गांव में एक इंजेक्शन मारा जाता है जिससे ये सब कुछ भूल जाता है, लेकिन पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि इसकी पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है और पता किया जाता है कि कौन सा केमिकल इसकी बॉडी में डाला गया सिर्फ 2 मिनट के अंदर। अरे भाई चेक तो कर लो, पाकिस्तान में किसी का हाथ भी कटता तो हम मोची के पास जाते हैं टाका लगाने, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी रहेगी, लेकिन यहां तक फिल्म एक नंबर चलती है, लेकिन जब जब दुर्वा सरजा स्क्रीन पे आता है एज अ मार्टिन भाई क्या हगता है वो, उसे देख के आपके एक टट्टी में पानी भर जाएगा, और इंटरवल के बाद तो जब डबल मार्टिन आते तो आपका टट्टा ही फट जाएगा, मतलब कि जब वो सामने आ रहे सिर्फ मारते और ये सब तो ठीक है, उसके बाद वो 19वें मंजिल फिर खुद है, लेकिन भड़वा मरता ही नहीं है, पूरा ऊपर से कुत्ता भी बोलता है, और उसकी एक्टिंग होगी ना वो हर एक में ऐसा लग रहा है गान के अंदर जो बवासीर है ना वो गले तक आके ऐसा अटक गया, यहां भी ठीक था, जब भी उसको भूख लगता है तो वो कुत्ते का बिस्किट क्यों खाता है, अरे भड़वे दिया गया प्रोडक्शन से पैसा ना वो खा रहा, और यहां तक तो फिल्म मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मैं चाहता हूं कि ऐसी फिल्म वापस कभी ना बन सके, जिसके लिए मेकर्स के हाथ काट के म्यूजियम में रख दो और इतिहास लिख दो भाई कि इन्होंने ऐसी फिल्म बना के छोड़ दी है, जो भी इसे देखेगा भाई नरक में अलग से प्रीमियम मिलेगा कि भाई तुम तलो मत, तुम फिल्म देखे बुझाओ, लेकिन इस फिल्म के अंदर एक्ट्रेस को इसलिए डाला है ताकि कैमरा एंगल आ सके, मतलब यहां से शूट कर, यहां शूट कर, इसके अंदर अवनीशी जैन भी, जिसके 2 बड़े कारण थे जिसके कारण ये फिल्म के अंदर, मैं सोचा कि भाई इसका थोड़ा बहुत दिखा दिया लास्ट में दिखाएगा तो मजा आएगा, लेकिन भाई थोड़ा दिखा के खत्म कर देता, वही मजे ले चाहिए थे मुझे, लेकिन यहां तक भी फिल्म अच्छी थी जब तक मार्टिन डायलॉग नहीं बोलता डोंट टीच फादर हाउ टू फक, अरे भाई 2.5 घंटा चुभता है तुमने फिल्मों को, ओवरऑल फिल्म की बात करूं तो इट्स अ मच वॉचेबल फिल्म, जिसे देखने के बाद आप लाइफ टाइम तक ये थिएटर एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करते रहोगे, और फिल्म के अंदर कहीं भी कोई भी बीजीएम इतना आ जा रहा है और वो इतना लाउड है कि आपका फेफड़ा हार्ट किडनी कोटा सब एक लाइन बोलते क्या गाल मार रहे हैं मारे चश, बाकी तो ये एंटरटेनमेंट वीडियो इसे सीरियसली मत लो यार, मेकर्स की बात करो तो यार दुर्वा सरजा आई लव यू यार, क्या ही काम किया उनकी एक्टिंग इधर तक जाता है उनके अंदर, पर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, वरना दिल की बात का सेकंड एपिसोड कभी नहीं आएगा। तो
कैसा था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा भाई? हमें तो काफ़ी मजा आया भाई, क्या इन्होंने एक्टिंग किया है, ध्रुव सर से ज़्यादा तो इन्होंने एक्टिंग कर लिया अच्छा खासा, लाजवाब। और इनका जो ओरिजिनल आप लोग वीडियो देखना चाहते हो अगर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा ओरिजिनल वीडियो को। काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया है, तो मूवी उतना खास नहीं है, इसी वजह से इस तरह का वीडियो बनाना पड़ा इनको। अगर ठीक रहने से अच्छा खासा रिव्यू देता है, लेकिन यहाँ पे मूवी एकदम पूरा हक दिया है भाई, मूवी इतना घटिया मूवी बना होगा इसी वजह से इस तरह का रिव्यू दिया है, वरना नहीं देता। तो आप लोग और इस भाई का, अगर शुभम भाई का वीडियो देखना चाहते हो और कोई भी वीडियो, तो हमें कॉमेंट बॉक्स पर बताइएगा, हम आप लोगों के साथ देखूँगा उनका वीडियो को। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।